साथ उगाना चाहते हैं तो गमले में आप जो मार्केट में जो लोकल जो कोचाई मिलता है सब्जी वाला जो अरबी मिलता है उसे आप लाकर गमले में डाल दीजिए, उससे कोचाई पत्ता निकल आएगा, बहुत जल्दी निकल आता है, मार बरसात में खासकर जल्दी निकल आता है। उसके बाद आप उसे एक एक हफ्ते में आप खाने लायक सब्जी बनते पत्ता निकलते जाएगा, आप उसका सब्जी बना लीजिए जो कि टेस्टी बनेगा, यम्मी बनेगा, साथ में हेल्दी है ही। इसके क्या बेनिफिट्स है वो वीडियो लास्ट में जरूर बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं कोचाई पत्ते की। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने छिलका वाला मूंग दाल ले लिया है, और ये है चना की दाल, और ये है फल्ली, और ये है राहर की दाल, और उसके बाद ये है अरबी लीव्स या कोचई पत्ता जिसे बोलते हैं। इसका कढ़ी भी बनाते हैं, इसका कढ़ी रेसिपी भी मैंने शेयर किया है जिसे इरहर कढ़ी बोलते हैं, उड़द दाल के साथ और बेसन के साथ दोनों के साथ, और भी अलग अलग रेसिपी मैंने शेयर किया है, नहीं देखे तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इस पत्ते को धो लीजिए, और धोने के बाद इसका डंडी को आप ऐसे पीछे जो डंडी अगर है उसको काट लेते हैं, चाहे तो डंडी को भी आप बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं, उसको छील के थोड़ा सा, अगर आप छिलेंगे नहीं तो थोड़ा सा इचिंग होता है, मतलब खुजली होता है गले में, तो उस डंडी को भी थोड़ा सा उसका जो छिलका है उसे उतार कर भी बारीक बारीक चॉप कर लीजिए, और ये पत्ते को भी ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। और मैंने इसे पहले धो लिया था, अगर आप पहले नहीं धोए तो चॉप करने के बाद भी आप इसे धो सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक कुकर लेंगे, कुकर में यहाँ पर जो हमने दाल लिए है राहर की दाल, चना की दाल और फल्ली और उड़द सॉरी हाँ मूंग की दाल, ये सभी सामग्री को हम यहाँ पर डाल देते हैं इसमें। फल्ली को भिगा कर मैंने थोड़ी देर पहले रखा था, नहीं भिगा है तो तुरंत भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर थोड़ी देर भिगा देते हैं तो और अच्छे से हमारा दाल जल्दी से बन जाता है और जो भी उसमें ख़राबी रहता है वो निकल जाता है, इसलिए थोड़ी देर भिगा कर उसका पानी को फेंक के साफ़ पानी से और आप उसे भिगा कर रखिए। और ये देखिए उसके बाद हम यहाँ पर जो भाजी काट कर रखे थे उसे डाल देते हैं, और यहाँ पर मैं दो टमाटर भी काट कर डाल दी हूँ, नमक डाल दी हूँ और हल्दी डाल देते हैं। और अगर आपको कलर और अच्छा चाहिए तो यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए जिससे कि कलर और भी अच्छा आएगा। तो उसके बाद देखिए इसे मैं 3-4 सीटी लगते तक पकाई हूँ, और उसके बाद देखिए पकने के बाद कितने अच्छे से पक गया है। तो इसे हमें 3-4 सीटी मीडियम फ्लेम पर पकाना है, और उसके बाद यहाँ पर हम इसे तड़का लगाने की तैयारी करेंगे। तो तड़का लगाने के लिए एक बर्तन ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए सरसों की तेल कच्ची घानी, और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे जीरा, और जीरा भी चटकने लग जाए तो हम डाल देंगे थोड़ा सा इसमें हींग, और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा प्याज और मिर्ची, हरी मिर्च अगर काट कर रखे हैं तो हरी मिर्च लाल मिर्च दोनों डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कड़ी लिप्स है तो कड़ी लिप्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा उबला हुआ जो दाल है अरबी पत्ता दाल जो हमने उबाल के रखा है उसे हम यहाँ पर डाल देते हैं। आप अगर प्याज नहीं खाते हैं तो सिर्फ लहसुन मिर्च में भी तड़का लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे से प्याज जब हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगा तब हम जो दाल उबाल कर रखे हैं उसे डाल देते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दाल अगर आपको थोड़ा सा पतला चाहिए तो थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर दीजिए गर्म पानी, और अगर आपको इतना गाढ़ा चाहिए तो फिर ऐसे ही दाल मखनी जो लगता है उस टाइप से इसका टेस्ट आएगा, ऐसे ही गाढ़ा गाढ़ा रहने दीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है टेस्ट इसका। तो उसके बाद हम अच्छे से बॉईल करके पका लिए हैं, तो देखिए अब गैस को बंद कर दीजिए, बस हमारा दाल बनकर तैयार है। देख सकते हैं कितना स्वादिष्ट दाल बनता है, और बहुत हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें हमने कई प्रकार के दाल फिर फल्ली डाले हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स इसे, और कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम अगले वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।